अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हैप्पी होली। भाभी वो माँ आपको सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। भैया भाभी अभी तक तो आप लोग के रंग भी नहीं उतरे थे और आपने एक दूसरे को फिर से रंग लगा दिया। मुझे तो लगता था इस घर में सिर्फ मैं और रोमिल जी रोमांटिक है, पर आप दोनों ने तो हमें भी पीछे छोड़ दिया। अपनी दीदी आप अपने फेस से हाथ हटा लीजिए। पक्का? रूही और नहार की नजदीकियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे इस रूही का खेल खत्म करना होगा और 10 दिन में मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिस रूही को घर वाले खुद धक्के मार के घर से बाहर निकाले। रूही बहू, मेकअप को मेंटेन करना कितना मुश्किल है। मुंह भी ढंग से नहीं धुल पाई, ऐसा लग रहा था मेकअप ही निकल जाएगा। भगवान करे जल्दी से मेरी विग बन जाए बस। ये अजीब सी बदबू कहां से आ रही है? मैंने तो अपना मुंह हाथ भी धुला ही है। हाँ, मलिष्का जी, आंटी ये क्या है आपके हाथ में? ये ना मैंने 40 जड़ी बूटियों को मिलाकर एक शानदार तेल तैयार किया है आपके गंजेपन के लिए। इसे जल्दी जल्दी आपके बाल उगाएंगे मलिष्का जी। अगर दादी ने ये तेल मेरे सर पर लगा दिया तो उन्हें पता चल जाएगा ये गंजापन मेरा मेकअप है, टकली खोपड़ी नहीं। मलिष्का जी आइए बैठिए, मैं आपको ये तेल लगा देती हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना गुणकारी है ये। आप
मुझे ये तेल लगाना ही नहीं है। हाँ प्लीज इसको मुझसे दूर रखिए, इससे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। प्लीज आंटी मेरे सर पे चढ़ रही है अब ये स्मेल, प्लीज 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 आंटी। बेटा ये ना बहुत असरदार तेल है, ये मेरी बात मानिए, इसे लगाते ही ना आपके बाल बहुत घने सुनहरे और लंबे हो जाएंगे। आइए लगा देती हूँ आप। सुना तो बेटा, लगा लो तेल थोड़ा। आंटी आप प्लीज मेरी बात को समझिए, ये तेल से ना मेरे सर पे गर्मी चढ़ जाएगी। प्लीज आंटी ऐसा मत करिए, प्लीज इसको दूर रख। गर्मी कैसे लगेगी बेटा, इसमें मैंने कपूर कूट कूट के मिलाया है, इससे तुम्हारे सर पर ठंडक आएगी। कितना आराम लगेगा तुम्हें मैं बताऊं तुम्हें? आओ खाली क्यों बेटा ठंडक। हे वलिष्का जी, लेना आंटी प्लीज। ऐसा नहीं करते बेटा, चलो तेल लगा लो। जल्दी से इसको अपने दुपट्टे से ढकना होगा मुझे। नहीं दीदी मुझे नहीं लगाना है तेल। अरे मैंने मैंने इतना मत सुना मलिष्का जी, मैं एक बात बताऊं मलिष्का जी। रूही बहू यहाँ। अरे तुमने सुपर वुमन ऑफ जयपुर कॉन्टेस्ट का ताज जीतकर मेरा और मेरे परिवार का मान बढ़ाया है। मम्मी, पापा, दादी, पापा, ग्रैंड दादी, चाचू जल्दी ले जाओ। एंजल बेटा बताओ तो सही हुआ क्या है? चाचू की दो दो शादी आ रही है। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर शाम 7 बजे। और मुझे नौकरानी होने से भी बचाया है। पूरे मोहल्ले में मेरी बहू के नाम के चर्चे हो रहे हैं और कल होली में सब कुछ इतना अच्छे से संभाल कर हमारे परिवार की इज्जत और दुगनी कर दी है तुमने। ये चढ़ाओ हार उसी का तोहफा है। आज से ये तुम्हारा हुआ। थैंक यू दादी, खुश रहो। सॉरी सॉरी आंटी, अब ठीक तो हो ना? आपको लगी तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये तेल सारा फैल गया। दादी क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना? चिल्ला क्यों रहे थे आप? मलिष्का जी गंजी हैं, लेकिन फिर भी पिंकू कितने प्यार भरी नजरों से देख रहा है उन्हें। आप मुझे किसी तरह से मलिष्का जी के बाल लाने हैं। सॉरी मलिष्का जी, आपको कहीं चोट लगी तो नहीं? नहीं नहीं, आई एम फाइन, आप ठीक? हाँ मैं ठीक।
इतने टाइम से मैं घर पर हूँ, लेकिन आज तक पिंकू जी ने मुझे ढंग से देखा तक नहीं। यानी उनके मन में आज भी उनकी पलक ही है। दादी अब ठीक तो है ना, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अब बेटा बस थोड़ा सा दर्द है कमर में, बाकी ठीक हूँ मैं। तो सर संभाल लिया। गंदी सी स्मेल आ रही है, ये है क्या वैसे? बाम 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 ले आना। आता हूँ मैं। मेरा फोन बज रहा है, मैं आती हूँ। रूही बेटा, तुमने कंपटीशन और होली की इतनी अच्छे से तैयारी की, इतनी मेहनत की, इसलिए आज तुम आराम करोगे और खाना मैं और अवनी बना लेंगे, क्या अवनी? बिल्कुल नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ, मैं सब कर लूंगी। माँ की बात टालोगी, मार खानी है? बहुत दिनों से माँ के प्यार के लिए तरस रही थी, आखिरकार मुझे वो प्यार वापस मिल गया। थैंक यू खाटू जी। एक कंपटीशन क्या जीत लिया इसने, सब इसके नाम की माला जपने लगे, और दादी ने तो पल भर में टीम बदल दी। इनसे तो मैं अभी बात करती हूँ। जी बताइए। आंटी सब क्या कर रहे हैं आप? अब तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं एकदम तेल लगाने के। मुझे नहीं लगाना है ना तेल। तेल नहीं लगाने आई हूँ, मैं तो बस ये देखने के लिए आई हूँ कि जो तेल आपके सिर पर गिरा था उसका कुछ असर भी हुआ या नहीं। देखो थोड़ा असर तो हुआ है। नहीं नहीं आंटी, ये सब आपका वहम है, मेरे बालों पे कोई असर नहीं हुआ है। हाँ प्लीज जाइए ना यहाँ से, प्लीज प्लीज आंटी आप जाइए। जा रही मैं लगा दूँ? नहीं प्लीज, थैंक यू। जा रही ये भगवान अब क्या करूं? तो फोन ही खराब हो गया। धनी वो लवली पार्लर वाली क्या बोल रही थी? क्या बदतमीजी है ये अग्नि? दादी आई एम रियली सॉरी। आप ये क्या कर रही है दादी? मतलब एक कंपटीशन क्या जीत गई रूही? एक सेकंड में आपकी सारी नफरत प्यार में बदल गई, आप तो पूरी पूरी तरह उसकी तरफ हो गई है। हाँ तो पड़ोसन के सामने उसने मेरी नाक रखी, और कंपटीशन में भी अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ नहार के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए वो लड़ी, और तुम मुसीबत आने पर भाग खड़ी हुई। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम रूही से हार गई। अगली गुस्से में इतनी भी अंधी मत बनो कि अपनी सच्चाई ना देख सको। माना मैं रूही को पसंद नहीं करती, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसने जो कुछ भी किया है उसे मैं अनदेखा भी नहीं कर सकती। दादी अरे अग्नि तुम अपनी हार का गुस्सा इस बेचारे स्टूल पर क्यों निकाल रही हो? वैसे अग्नि किस बात का बुरा लग रहा है तुम्हें? कंपटीशन में मुझसे हार गई उस बात का, या नहार जी ने मेरे साथ होली खेली उस बात का, या फिर मेरे गले में ये सुंदर सा हार देखकर तुम्हें जलन हो रही है? वैसे अग्नि मुझे लगता है अब तुम्हें इस हार की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे नसीब में ये हार ही लिखी है।
अभी भी 10 दिन बाकी है रूही। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ जीत गई इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी जंग जीत जाओगी। संभल कर रहना अग्नि, कहीं मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में तुम खुद इस घर से ना निकल जाओ। और हाँ अग्नि, जब तुम इस घर से जाओ ना तो अपने साथ अपनी हार की ये निशानी लेकर जाना, ताकि तुम इस घर में वापस आने की सोच भी ना सको। ये रूही हर बार मुझसे जीत नहीं सकती है, मैं इसे जीतने नहीं दूंगी। कल होली की वजह से तो मेरा सारा मेकअप खराब हो गया, वहां से तो किसी भी तरह बहाना करके मैं भाग गई, वरना कल तो मेरी पोल ही खुल जाती। पर आज तो पार्लर भी बंद है, मेरे तो सर का मेकअप भी खराब हो गया, मेकअप ही नहीं है सर पे, और मलिष्का के कपड़े वो भी तो गंदे हो गए, आज तो पार्लर भी बंद है। हाय भगवान, मैं करूं तो करूं क्या, चाहूं तो चाहूं कैसे अंदर। एक बार ही देखती हूँ अंदर कोई है तो नहीं। पिंकू, पिंकू बेटा, पिंकू आ गया दादाजी। चल बेटा मार्केट में लेट हो गया, चल। कुछ और दादाजी तो चले गए, जूही दीदी भी कॉलेज गई है और सिर्फ घर में दादी जी होंगी। एक बारी झांक कर देखती हूँ, अगर हॉल में कोई नहीं होगा तो झट से अंदर भाग जाऊंगी। यही अच्छे मौका है, हॉल में भी कोई नहीं है, जल्दी से रूम में भाग कर मलिष्का का गेटअप ले लेती हूँ। हाँ ऐसे चोरी चोरी मेरे घर में घुस के क्या कर रही हो तुम? क्यों घुसी तुम? पिंकू से मिलने आई हो ना? हम्म, नारजी ये क्या है? ये मेरी गलती की भरपाई है, नहीं समझी? रुई याद है जब तुम पहली बार इस घर में आई थी पेंटिंग लेकर, और मैं गुस्से में उस पेंटिंग को तोड़ दिया था। समझ लो ये उसी गलती की भरपाई है। रूही, जब से तुम इस घर में आई हो तब से इस घर को संवारने में, कामों में इतनी बिजी रहती हो कि तुम अपने शौक को भूल गए। लेकिन तुम्हें पता है रूही, जब तक इंसान का शौक जिंदा है इंसान जिंदा है। तो इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारा शौक लौटा रहा हूं। याद है जिस दिन मैं तुम्हारे घर गया था, उस दिन मैं अपनी पेंटिंग देखकर दंग रह गया था।
रूही तुम एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो। थैंक यू नाहर जी। यू आर वेलकम। लेकिन अभी मुझे ये बताओ तुम सबसे पहली पेंटिंग किस चीज की बनाओगे? बताओ बताओ, आई एम वेरी एक्साइटेड। बताओ नाहर जी, मैं जो भी बनाऊंगी उसमें आपको भी मेरा साथ देना होगा। साथ मिलकर बनाएंगे? मतलब पेंटिंग? नहीं नहीं रूही, इट्स अ बैड आइडिया। पेंटिंग से मेरा दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। लास्ट टाइम आई थिंक सेकंड स्टैंडर्ड, हाँ सेकंड स्टैंडर्ड में मैंने वो पेंटिंग बनाते ना पहाड़ों के बीच सूरज, बस इससे ज्यादा नहीं। पर नाहर जी एक बार ट्राई तो कीजिए। रूही बट मेरे साथ ट्राई कीजिए प्लीज। नाहर जी एक बार ट्राई करते हैं। करीब आ जाएंगे और मुझे इस घर से जाना पड़ेगा। नाहर के करीब आने के लिए मुझे रूही को दूर करना ही होगा।